2022 में इंट्रोड्यूस की गई अग्निपथ स्कीम को गवर्नमेंट द्वारा पेंशन बिल और आर्म्ड फोर्सेस में यूथ रिक्रूटमेंट को बूस्ट देने के लिए लाया गया था, जिसके बाद कई स्टेट्स स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में एस्पिरेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। नए रिक्रूटेड सोल्जर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज पर कई कंसर्न सामने आए, जिसके बाद आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसकी इवैल्यूएशन की जा रही है। इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम को रिव्यू करके कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा सकें। अग्निवीर योजना में इशू है सर्विंग टाइम, जिसमें 4 साल की सर्विस के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंटली रिटेन किया जाएगा और बाकी 75% अग्निवीर्स को रिलीज़ किया जाएगा। और 4 साल बाद जिन अग्निवीर्स को रिटेन नहीं किया जाएगा उनके फ्यूचर पर भी एक सवाल खड़ा होता है। इंडिया की इस साल की लोकसभा इलेक्शंस में भी अग्निवीर स्कीम का इशू बहुत क्रूशल था और भारतीय जनता पार्टी के अलाई JDU द्वारा भी इस स्कीम में कुछ चेंजेस या स्कीम को रिव्यू करने की मांग की गई है। आर्मी ने स्कीम की कुछ प्रोविजंस में चेंजेस के लिए अपनी विलिंगनेस शो की है। आर्मी ने इसमें कुछ चेंजेस के लिए कुछ की स्टेक होल्डर्स का सर्वे कंडक्ट किया, उनकी रिकमेंडेशंस आई, जिसके बाद आर्मी इस स्कीम में 5 चेंजेस रेकमेंड कर रही है। पहला है अग्निवीर्स की रिटेनिंग परसेंटेज को इंक्रीज करना। जैसे हमने बात की कि 4 साल बाद अग्निपथ स्कीम की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सिर्फ 25% अग्निवीर्स को ही रिटेन किया जाएगा और बाकी अग्निवीर्स को 12 लाख की लमसम पेमेंट के साथ जाने दिया जाएगा। बट आर्मी ने 25% की जगह 60 से 70% अग्निवीर्स की रिटेंशन को रेकमेंड किया है। दूसरी रिकमेंडेशन है सर्विंग पीरियड को इंक्रीज़ करना। अग्निवीर्स की रिटेनिंग परसेंटेज के साथ आर्मी सर्विंग पीरियड को भी इंक्रीज़ करना चाहती है। करंटली 4 साल का सर्विस पीरियड है, बट 7 से 8 साल तक इंक्रीज करने का प्लान है। अग्निवीर सिस्टम के 4 साल के पीरियड में 9 महीने की फॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग होती है और बाकी की ट्रेनिंग सर्विस के दौरान जब अग्निवीर को यूनिट में डिप्लॉय किया जाता है। कई वेटरन्स ने कहा है कि आर्मी के इथोस और रेजिमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सोल्जर को फुली ट्रेंड होने में 6 से 7 साल का टाइम लगता है और अग्निवीर सिस्टम में जब तक एक सोल्जर अपने फील्ड में कुछ एक्सपर्टाइज हासिल करेगा तो उस टाइम तक उसका 4 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका होगा। थर्ड चेंज जो आर्मी चाहती है वो है टेक्निकल फील्ड्स में रिक्रूटमेंट एज में इंक्रीज। करंटली अग्निवीर्स की रिक्रूटमेंट एज 17 से 21.5 तक की है, बट टेक्निकल आर्म्स में आर्मी अग्निवीर्स की एज 23 तक इंक्रीज करना चाहती है। टेक्निकल ब्रांचेस जैसे कि सिग्नल, एयर डिफेंस एंड इंजीनियर्स, क्योंकि इन फील्ड्स में टेक्निकल नेचर की वजह से लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जब तक एक अग्निवीर टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करेगा उस टाइम तक उसका सर्विस पीरियड पूरा हो चुका होगा। सो आर्मी द्वारा इस प्रोविजन में भी चेंज की प्रपोजल दी गई है। फोर्थ रिकमेंडेशन है डिसएबिलिटी पेमेंट और अग्निवीर की सर्विस के बाद उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट में असिस्ट करना। इसमें आर्मी अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान हुई कोई भी डिसएबिलिटी के लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट की मांग कर रही है और तो और सर्विस पीरियड के बाद उनको जॉब ढूंढने में असिस्टेंस प्रोवाइड करना भी आर्मी का कंसर्न है, जिसके लिए आर्मी का कहना है कि कोई प्रोफेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए गाइड कर सके। फिफ्थ प्रपोजल है सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी कि अगर किसी अग्निवीर की वॉर टाइम पर जान जाती है तो उसकी फैमिली को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए। एक्सपीरियंस इश्यूज की बात करें तो ओल्ड रिक्रूटमेंट स्कीम के अंडर पर्सोनल जनरली 35 की एज तक रिटायर हो जाते थे, बट जिनको सूबेदार मेजर के रैंक पर प्रमोट किया जाता था वो 52 की एज तक रिटायर होते थे और वो पर्सोनल हर तरह की ऑपरेशनल स्किल और ड्रिल के लिए फुली ट्रेंड होते थे। सो आर्मी का अग्निवीर्स की इंक्लूजन परसेंटेज और सर्विस पीरियड को इंक्रीज करने का पर्पस है उनको सफिशेंट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना ताकि ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके, पेंशन बिल को भी रिड्यूस किया जा सके और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सोनल की एवरेज एज को रिड्यूस करके एक यंग फोर्स प्रोफाइल को क्रिएट किया जा सके।